हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन लव ऑफ देम ऑल के एपिसोड 24 के साथ। सो बिना किसी ज़्यादा देर के हम लोग ये प्यारा सा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि क्वीन ली एंड क्विंगिन अपनी पार्टी में से वापस आ रहे थे एंड उन्हीं के विला पर जो जितान है उनका इंतजार कर रही थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों क्विंगिन एंड क्वीन ली के बंगले के अंदर चले गए थे। एंड उसके बाद हम जितान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी एंड वो अपनी बहन क्विंगिन से पूछती है कि सच में क्वीन ली ने इतना बड़ा बंगला खरीदा है, ये तो कितना ज्यादा शानदार है। जो हमारी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर लड़का था ना, उसके पास भी इतना अच्छा बंगला नहीं है। सो तभी जो क्विंगिन है वो जितान के सिर पर मारते हुए कहती है कि तुम्हें अपने जीजा जी से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्या तुमने उनका नाम लेकर क्या लगा रखा है। हाँ, एंड उसके बाद जितान कहती है कि ठीक है जीजा जी। एंड दूसरी तरफ हम क्विन ली को देखते हैं जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार था जब जितान ने क्विन ली को जीजा कहकर बुलाया था। उसके बाद जितान क्विन ली से पूछती है कि जीजा जी, आखिर आपने इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया, कहीं आप अपने शरीर का धंधा तो नहीं करते पैसा वैसा कमाने के लिए। सो क्विन ली कहता है कि मेरे काम के बारे में ऐसा मत सोचो, मैं एक अच्छी सी मेडिकल क्लिनिक खोल रखी है। वैसे तुमने नहीं बताया कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सो जितान कहती है कि अरे अगर आप मुझे याद ही ना दिलाते तो मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। सो उसके बाद जितान कहती है कि बस कुछ ही दिनों बाद हमारे स्कूल में एक समारोह होने वाला है, कहीं आप भूले तो नहीं कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ वहाँ पर मेरे साथ चलेंगे। पिछले कुछ टाइम से मुझे आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैं आपके बारे में अपनी बहन से पूछती थी तो वो बताती थी कि आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा आपसे मिलने के लिए। सुकून जी कहता है कि अच्छा तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। सो जितान कहती है कि आप मुझे मना करने वाले हो जीजा जी, लेकिन आप इस बारे में तो सोचिए अगर उन लड़कों ने मुझे फिर से परेशान किया तो। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो क्विन ली है वो सोच रहा था कि मुझे लगा कि ये पहले मजाक कर रही है। उसके बाद क्विन ली जितान से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही उन लोगों से डर लग रहा है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सो जितान मना करते हुए कहती है कि अगर मैं इसी तरह एक कमजोर लड़की की तरह छुपी रही तो मुझे खुद पर शर्म आने लगेगी। सो तभी जो क्विंगिंग है वो कहती है कि तुमने जितान से वादा किया था तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। सो क्विन ली कहता है कि ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता है कि उसे कुछ खास का मन नहीं है। उसके बाद जो क्विंगिंग है वो जितान से कहती है कि आप ठीक है, लेकिन जितान तो भैया टेढ़ा मुंह कर चुकी थी। उसके बाद क्विन ली जितान से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। सो जितान बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि मुझे फोर्क रिब्स चाहिए थोड़े सॉस के साथ। एंड उसके बाद दोस्तों ऐसे एक महीना गुजर जाता है एंड उसके बाद हम क्विन ली का क्लिनिक देखते हैं और क्लिनिक में हम क्विंगिंग को देखते हैं जो कि शायद से वहां पर क्विन ली का इंतजार कर रही थी। एंड उसके बाद हम क्विन ली को देखते हैं जो कि लियांग मिंग को काम करते हुए देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि जो लियांग मिंग है वो अपने काम में और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है और अभी तक उसके साथियों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है। सो शायद से मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में उससे बात कर लेनी चाहिए। सो उसके बाद क्विन ली लियांग मिंग के पास आता है और वो कहता है कि सो तभी जो लियांग मिंग है वो क्विन ली से पूछती है कि बॉस जब एक बार आप यहाँ से चले जाएंगे तो इस मेडिकल क्लिनिक का क्या होगा। सो क्विन ली कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर क्लिनिक में कुछ नए चाइनीज डॉक्टर जो कि काफी ज्यादा फेमस है वो आ जाएंगे। एंड उसके बाद क्विन ली कहता है कि वैसे मैंने किसी से बात की है जो तुम्हारे टीममेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है और जैसे ही उनके बारे में कुछ न्यूज मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। सो उसके बाद जो लियांग मिंग है वो क्विन ली से थैंक यू कहती है और उसके बाद जो क्विन ली है वो लियांग मिंग को कुछ चाबियां देते हुए कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम उसके बाद मेरे बंगले में रह सकती हो और जब मैं वहां पर थोड़ा सेटल हो जाऊँ तो मैं तुम्हें भी जियांग चैंग सिटी में अपने पास बुला लूंगा। सो तभी जो लियांग मिंग है वो कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है बॉस, मैं यहाँ पर रहूंगी और क्लिनिक का ख्याल रखूंगी, इसीलिए आपको मुझे चाबियां देने की कोई जरूरत नहीं है। सो तभी क्विन ली कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक दोस्त मानता हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे बट तभी वहाँ पर क्विन आती है जो कहती है कि जानू अब हमें चलना चाहिए वरना जो हमारी फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी। सो उसके बाद क्विन ली लियांग मिंग से कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत ही फोन लगा दियो, समझी। उसके बाद जो लियांग मिंग है वो क्विन ली को बस बाय कर पाती है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदल जाता है और हम जियांग चैंग सिटी में क्विन ली के विला पर आ जाते हैं जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छे से सामान लेकर अंदर जाना, कुछ भी गिरा मत देना। एंड उसके बाद हम जियांग जुन को देखते हैं जो क्विन ली से बोल रहा था कि ब्रदर क्विन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। सो क्विन ली कहता है कि हाँ मिस्टर जियांग, हम काफी टाइम से नहीं मिले। सो तभी जो क्विंगिंग है वो कहती है कि यहाँ पर सबको संभालने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा थैंक्स मिस्टर जियांग। सो जियांग जुन कहता है कि सिस्टर क्विन ली जो है वो मेरा भाई है,
इसीलिए अपने भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। एंड उसके बाद जियांग जुन कहता है कि और वैसे भी आप भी जियांग ग्रुप की अब एक पार्टनर हो, इसीलिए आपको अब इन छोटी मोटी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सो तभी जो कुन लिए वो कहता है तो इसके बाद तुम्हें जियांग चंग सिटी में हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। सो जियांग जुन कहता है कि तुम्हें मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं, मुझे ये पता है। तभी उसके बाद जो जियांग जुन है वो कुनली के कंधे पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है कि वैसे मेरी तुम्हारे साथियों के साथ आज एक मीटिंग है और मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा दूं। सो उसके बाद कुनली कुनियन से कहता है कि जानू मुझे जाने की जरूरत है। सो कुनली कहती है कि मैं यहाँ पर घर में सब कुछ अच्छे से सेटल कर दूंगी, सो अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है एंड हम आ जाते हैं मिंग पैलेस में, जहाँ पर जियांग जुन कुनली से कह रहा था कि जिस आदमी से मैं तुम्हें आज मिलाने वाला हूँ वो सिर्फ एक एजुकेटेड डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो जियांग चंग सिटी में काफी ज्यादा फेमस है। उसने अपने होम टाउन में एक मेडिकल क्लिनिक भी खोला था, शिन फैंग टैंग। एंड उसके बाद जियांग जुन कहता है कि मुझे लगा कि तुम चाइनीज मेडिसिन में इंटरेस्टेड होगे, वैसे भी तुम यहाँ पर जियांग चंग सिटी में एक मेडिकल क्लिनिक खोलने के लिए आए हो, इसीलिए मुझे तुम्हें उससे मिलवा देना चाहिए। उसके बाद जियांग जुन कहता है कि लेकिन, सुकुनली कहता है कि लेकिन क्या। सो जियांग जुन कहता है कि ये जो आदमी है वो काफी टाइम से मेरी बहन का पीछा कर रहा है, लेकिन मेरी जो बहन है वो हर बार उसे रिजेक्ट कर देती है, वो भी तुम्हारी वजह से। सो कुनली कहता है कि मेरी वजह से। सो जियांग जुन कहता है कि हाँ, उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, सो इसकी वजह से अगर कोई मेरी बहन का प्यार चाहता है तो उसे एटलीस्ट तुम्हारे लेवल का तो होना ही चाहिए। दोस्तों कुनली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जियांग जुन कुछ दरवाजे खोलता है एंड कहता है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। जियांग रैन कुनली को देखकर कहती है कि हाय, काफी टाइम से नहीं मिले। सो कुनली कहता है कि मिस जियांग रैन। हाँ सच कहा आपने। एंड वहीं पर एक और आदमी था, सो वो बोलता है कि क्या तुम ही वो मैजिकल डॉक्टर कुनली हो जिसकी जो मिस रैन है वो इतनी ज्यादा तारीफ करती है। सो कुनली कहता है कि हेलो, मैं हूँ कुनली। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और ग्रेट पर्सन हो गए, लेकिन तुम तो अभी एक बच्चे की तरह लग रहे हो मुझे, जो कि बस गांव से आया हुआ है। सो दोस्तों कुनली को तो उसकी बात सुनकर सोच रहा था कि आखिर जियांग रैन ने उससे कहा क्या, क्योंकि ये मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा है। सो उसके बाद वो आदमी कहता है कि मिस जियांग रैन, इस तरह का कोई आदमी मेरा ओपोनेंट बनने के लिए। उसकी बात सुनकर कुनली सोचने लगता है कि आखिर जियांग रैन ने इससे मुझसे बारे में क्या कहा, क्योंकि जब जब भी मेरी तरफ देखता है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। एंड उसके बाद वो आदमी कहता है कि मेरे पास मेडिसिन में बैचलर डिग्री है जो कि मुझे एरोरिज यूनिवर्सिटी से मिली है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल मेडिकल अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन तुम मिस जियांग, आपको क्या लगता है कि ये आदमी मेरे साथ कंपटीशन कर पाएगा। एंड उसके बाद वो आदमी हमारी कुनली की और भी ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मैंने इंट्रैक्टिकल पॉलीसाइटिक ट्यूमर भी ठीक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का, आखिर तुम क्या कर सकते हो। हाँ सो तभी जो जियांग रैन है वो बोलती है कि ओ हे, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो कुनली है वो तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है मेडिकल नॉलेज में। हाँ लेकिन दोस्तों जो कुनली है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं कर रहा था, हमारा बेचारा कुनली। एंड दोस्तों हमारे जो कुनली है वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था इस टाइम पर। एंड दोस्तों अब ये जो आदमी है जिसका नाम अभी हमें नहीं पता, एंड जो जियांग रैन है, ना जाने क्या क्या भर दिया जियांग रैन ने इस आदमी के दिमाग में, जो कुनली से इतनी ज्यादा नफरत टाइप की कर रहा है। ये सब जानने को मिलेगा आपको अगले एपिसोड में, क्योंकि हाँ ये एपिसोड हो गया यहीं पर समाप्त। सो एंड द एंड ऑफ द वीडियो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप वीडियो को अच्छा लगाया है आपको तो यार वीडियो को भी एक लाइक मार देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे किसी और एपिसोड में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।